सिंह न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। नीट परीक्षा टालने के मामले में आज होगी सुनवाई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज यानी 9 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि नीट पीजी परीक्षा को टालने की मांग करते हुए इस याचिका को दर्ज किया गया था। वहीं 11 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा का आयोजन किया गया। कवाई कस्बे में धाकड़ समाज की ओर से धरणीधर जयंती समारोह पूर्वक मनाने को लेकर आज यानी 9 अगस्त को बैठक होगी। बता दें कि अध्यक्ष देवकिशन नागर ने बताया कि 24 अगस्त को कस्बे में धरणीधर जयंती समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। आज श्री कृष्णा प्लाजा में समाज की बैठक होगी। बाड़मेर जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से आज यानी 9 अगस्त को जिला मुख्यालय पर भारत न्याय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि सेवा दल के जिलाध्यक्ष सोनाराम मंसूरिया ने बताया कि कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार ये यात्रा निकाली जाएगी। आज यानी 9 अगस्त को कांग्रेस क्रांति दिवस मनाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देगी। शहर नगर और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। अयोध्या में शिक्षक महासंघ की ओर से आज यानी 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अयोध्या के जिलाध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में शिक्षा भवन से कचहरी तक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें कि 23 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। SIS इंडिया लिमिटेड RTA बिलासपुर जिला बिलासपुर हिप्र के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 100 पद अधिसूचित किए गए हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए साक्षात्कार आज यानी 9 अगस्त 2024 को उपरोजगार कार्यालय गोहर में लिए जाएंगे। राजस्थान में आज यानी 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो गया है। बता दें कि सरकार ने ये निर्णय विश्व आदिवासी दिवस के चलते लिया है। इस दिन सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पायल राजपूत और अजनीश लखमत स्टारर साउथ की ब्लॉकबस्टर एक्शन हॉरर फिल्म मंगलवारम अब हिंदी में मंगलवार के नाम से आज यानी 9 अगस्त 2024 को जी सिनेमा पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि ईगल होम एंटरटेनमेंट प्रस्तुत इस फिल्म में दक्षिण भारत के विख्यात सितारे पायल राजपूत और अजनीश लखमत ने अभिनय किया है। नागपंचमी पर नयागांव में श्री देव ग्रुप द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि आज यानी 9 अगस्त सुबह 10 बजे से श्री देव मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें रामलीला, भोले बाबा, रामलला की झांकियां ढोल नगाड़े के साथ निकाली जाएगी शोभा यात्रा। राजस्थान के कई जिलों में आज यानी 9 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 9 अगस्त को अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1925 में आज ही के दिन 9 अगस्त को बहुप्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। साल 1945 में आज के दिन अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। साल 1971 में आज के दिन भारत पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। साल 1974 में आज के दिन भारतीय फिल्म अभिनेता महेश बाबू का जन्म हुआ था। साल 2016 में आज के दिन अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।